रेलवे ने क्या किया है कि अगर उनके पास एनटीपीसी में जो 35,000 पद हैं, अगर वो 5 या 6 विभागों में है अगर 35,000, तो उन्होंने क्या किया कि हर विभाग के 20 गुना कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया है। तो ऐसा आप समझ लो कि कोई एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके बहुत ज्यादा नंबर हैं, तो वो क्या है, हर पद की लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, जिससे जो यूनिक बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है वो कम होकर 3 लाख हैं। लेकिन वाकई में अगर आप देखोगे हर लिस्ट में टोटल कितने लोग सिलेक्ट हुए, तो उसका टोटल करने पे आपको 7 लाख जरूर मिलेगा। तो बच्चों का सीधा सा ये कहना है कि यार ये 7 लाख यूनिक बच्चे होने चाहिए 20 गुना, ना कि एक ही रोल नंबर आपकी 4 लिस्ट में अगर आया हुआ है तो उसको आप 4 बार काउंट करेंगे। मूल बात यह है कि जनवरी 2019 में रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी के करीब 1.5 लाख पदों की भर्ती निकाली, तो वो भर्ती आज तक पूरी क्यों नहीं हुई? अब